मैं कभी से दूरों को उजागर ना करूंगा। कोशिश कर ली? मत कर। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे मार ही दूंगा। इतना तड़प मत, आसान मौत दूंगा। तो तड़पा तड़पा के मारूंगा फरूजी। रक्षा, मेरी रक्षा करो बजरंगी, मेरी रक्षा करो। बुला ले जिसको बुलाना है। देखिए, इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा। क्या ये किसी बात को लेकर बहुत स्ट्रेस में थे? स्ट्रेस तो होगा ही ना डॉक्टर साहब, इतना बड़ा धोखा मिला है इसे। अचानक से कोई इतना बड़ा सदमा कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये क्या कह रही है, चुप कर। सही कह रही रतन वाला, हमारे घर में खुशी आने वाली थी और एक ही झटके में सब कुछ मातम में बदल गया, और जो कुछ भी हुआ है ना वो इस परिधि की वजह से। अरे देखिए, आप लोग शांत रहिए, इनको आराम करने दीजिए। और हाँ, जिस किसी भी चीज से इनको तकलीफ होती हो वो चीज इनसे दूर ही रखिए।
परिधि जी, परिधि यहाँ आओ। क्या बात है बेटा, चुप क्यों हो? कुछ छुपा रही हो? पूरा परिवार तुम पर इल्जाम लगा रहा है, तुम कुछ जवाब क्यों नहीं देती? क्या बात है? परिधि, बेटा अगर तुम चुप रहोगी ना तो ये लोग बोलते ही रहेंगे। जिस बेहोशी की हालत में तू राजवीर को घर पर लेकर आई थी, उंगलियां तो उठेगी ही ना बेटा, तू बताती क्यों नहीं कि बात क्या है? क्या बताऊं दादी साहब, मैं क्या बताऊं? अगर कोई झगड़ा हुआ होता, कोई नाराजगी होती तो मैं सबको बता भी देती कि क्या हुआ, लेकिन कल रात को और आज सुबह जो हुआ वो एक अनहोनी थी। अगर मैं सबको बता दूं क्या हुआ मेरे साथ कल रात को तो क्या सब यकीन कर लेंगे? क्या हुआ था बताओ परी, क्या हुआ था? मेरा दिल धड़क रहा है। दादी साहब, राजवीर पर किसी बुरी आत्मा का साया, मां का साया, और वह साया उसी का हो सकता है जो इस घर में सब कुछ करता है और करता आया है। सौदामिनी का साया, राजवीर ने कल रात मुझे जान से मारने की कोशिश की दादी साहब। उसने एक हाथ से मुझे हवा में ऐसे उठा लिया जैसे ऐसा कोई साधारण इंसान तो नहीं कर सकता है ना दादी साहब। राजवीर मुझसे कितना भी नाराज हो, मुझे दो बातें सुना दे, लेकिन वो मेरी कभी जान लेने की कोशिश नहीं करेगा। मेरा राजवीर ऐसा है ही नहीं। कि जो कुछ भी हुआ है, हो ना हो, ये सौदामिनी कर रही है। ये सौदामिनी इसीलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि राजवीर मेरी ढाल है, मेरी ताकत है, और इसीलिए राजवीर के जरिए वो मुझे मारना चाहती है। दादी साहब, क्या हुआ? मैं भी तुझे बताना चाहती थी बेटा। दादी, क्या हुआ दिपसी? डॉक्टर अंकल ने कहा है कि राजवीर चाचू को होश आ गया है। हाँ तो तुम जाके उन्हें बोल दो कि हम अभी आ रहे हैं। ओके, दादी साहब कुछ कह रही थी ना? हाँ मैं, क्या कह रही थी नहीं कुछ भी नहीं, मैं ये कह रही थी घर वाले परेशान हैं इसलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो उनकी बातों को दिल पर मत लगाना। हम लोग राजवीर के पास चलते हैं। अच्छा चलो। मेरी गुड़िया रानी बड़ी सयानी। अरे अरे, आप उठिए मत, आप लेटे रहिए, आपको आराम की बहुत सख्त जरूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? अरे ठीक है, चलिए अच्छा, आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। राजवीर, कल रात तुम्हारे और परिधि के बीच क्या हुआ? अचानक से तुम बेहोश कैसे हो गए? भाई को अभी अभी होश आया, बाद में पूछ लीजिएगा। भैया, अरे क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है? आप ठीक तो ना? अब कुछ हुआ तो नहीं? ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, देख तेरे सामने हो ना, फिट एंड फाइन, लुक एब्सोल्युटली हेल्दी, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली कल रात से वो आपके बारे में सोच रही, काफी परेशान है, तो मैंने इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। बचपन से ऐसी है, सबकी फिक्र करती है दादी माँ। लेकिन अभी फिक्र करना बंद कर, तेरा नया नया घर बस है। अरे तू प्रेग्नेंट है, इतना सोचेगी तो बच्चे पे कैसा असर पड़ेगा? ओके यू आर राइट राजवीर, एक काम करते हैं, श्रेया को आज ही विदा कर देते हैं।